जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है ईयू, और ईयू में हमने एक एक करके सभी टॉपिकों को कवर करते हुए अपना काम करना जारी रखा है। सबसे पहली बात तो हमने जो नवीनतम मुद्दा था ब्रेक्जिट का, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ज़्यादा संभावनाएं उसकी बनती है आने वाले एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के रूप में आए, चाहे 20 से 25 शब्दों का जो उत्तर आता है उस छोटे प्रश्न में आ सकता है ब्रेक्जिट, तो उसको हमने पहले कर लिया है। और हमने पिछले वीडियो में ये भी चर्चा कर ली है कि कौन कौन यूरोप के आर्थिक एकीकरण में कौन कौन से संगठनों का निर्माण हुआ और उनकी फुल फॉर्म, उनकी सदस्य संख्या और उनका निर्माण वर्ष हमने ध्यान कर लिया है। और उसके अलावा जैसा कि आपको लगता है कि पूर्व सदस्य कौन से थे, वर्तमान में लेटेस्ट सदस्य कौन सा है, यूरोजोन क्या है और ईयू क्या है, ईयू और यूरोजोन में कितने सदस्य देश हैं, कौन कौन से राष्ट्र हैं जो ईयू में तो शामिल हैं लेकिन यूरोजोन में शामिल नहीं हैं, ऐसी कुछ विस्तृत हमने विस्तृत चर्चा कर ली है पहले। अब आगे हम चल रहे हैं यूरोप का जो सैनिक एकीकरण है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो विषय हमारे लिए है, पहले तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही। देखो आप, मैं किसी एक संधि विशेष की बात नहीं करूँगा अभी। ये जो भूमिका है वो हम देख रहे हैं कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है। ये टाइम कैसा है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, ठीक है। संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की अव्यवस्था सी फैली है, किसके आधार पर? विचारधाराओं के आधार पर। ठीक है, नए राष्ट्रों का उदय हो रहा है, नए राष्ट्रों का उदय हुआ, ठीक है। उन राष्ट्रों को अपने वर्ग में मिलाने के लिए, जैसा कि आपको पता है, एक चीज़ और प्रारंभ हो चुकी है, शीत युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो ये जो नए राष्ट्र बन रहे हैं और जो शीत युद्ध का चरण है, तो इस दौरान इन राष्ट्रों के लिए विचारधारा के आधार पर ये निश्चित करना मुश्किल हो रहा है कि हमें किस राष्ट्र की ओर जाना चाहिए और किस राष्ट्र की ओर नहीं जाना चाहिए, या हमें किस विचारधारा का पालन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आ रही है सुरक्षा की। अब सुरक्षा किससे? पूंजीवाद वाले कह रहे हैं हम आपको साम्यवाद से सुरक्षा देंगे, साम्यवाद से सुरक्षा देंगे, और साम्यवाद वाले कह रहे हैं कि हम आपको पूंजीवाद से सुरक्षा देंगे, कि हम आपको पूंजीवाद से सुरक्षा देंगे। ठीक है, एक डर नाजीवाद का हो रहा है वापस, तो इस तरह की जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण ये जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं या जो पूर्व राष्ट्र हैं उनके मध्य भी क्या चल रहा है, जो पहले से स्वतंत्र हैं या पूर्व स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं उनके मन में भी इस तरह का विरोधाभास चल रहा है कि हम किस ग्रुप में शामिल हो और किस ग्रुप में शामिल नहीं हो। तो दोनों में शामिल होते हैं तो एक ग्रुप में शामिल होना, दूसरे ग्रुप की शत्रुता का पालन करना है। तो इससे बचने के लिए क्या चल रहा है कि ये राष्ट्र स्वयं यूरोप, और ये चल कहाँ रहा है विवाद? यूरोप में, यानी इनके घर में बाहरी व्यक्ति का दखलंदाजी या इंटरफेयर बढ़ रहा है, और उस इंटरफेयर को ये अपने यूरोप का पतन का कारण मानते हैं। यानी यूरोप का अगर पतन होगा या यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन रहा है,
तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये बाहरी जो तत्व हैं उनके आगमन के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये जो व्यवस्था है या ये जो भूमिका है ये इन राष्ट्रों को और छोटे राष्ट्र, या हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर छोटे जो राष्ट्र हैं, गणतंत्र हैं, छोटे राष्ट्र जो हैं उनके मन में एक तरह का भय व्याप्त हो रहा है, और उस भय से मुक्ति देने के लिए ही इन्हें एक सपोर्टिव की, एक बड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट आर्थिक के साथ साथ सैनिक सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता है। तात्कालिक आवश्यकता अगर कहें तो वो किसकी, इन्हें सैनिक सपोर्ट की, ठीक है। तो आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सैनिक एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही, इसको देखें। आगे चलते हैं, फिर हम आगे इसमें हम चलेंगे। जो सबसे पहला जो काम हो रहा है उसको देखते हैं। पहली जो चरण है सैनिक एकीकरण के, जो फर्स्ट चरण है उनको देखते हैं। तो आपके समझ में आ रही होगी कि क्या भूमिका बन रही है और किस भूमिका से ये राष्ट्र किस तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं। अगर हम देखें तो एशिया की ऐसी स्थिति नहीं है, आपको पता है एशिया की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ किसी तरह का कोई विचारधारा को लेकर विवाद चल रहा है। हम ब्रिटेन से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन हम साम्यवादी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं। तब हमने सुभाष चंद्र बोस का जो नाजीवाद का समर्थन से जो स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो विचार था या जो अभियान था, उस अभियान, वह अभियान भी जापान की पराजय के साथ ही रुक गया। यानी भारत में नाजीवाद के समर्थित जो सरकारें बनने वाली थी या हम स्वतंत्रता जो प्राप्त करने वाले थे जापान के सहयोग से, जो कि बर्लिन, रोम और टोक्यो धुरी का एक राष्ट्र था, वह विचार वहीं ध्वस्त हो गया जैसे ही जापान की पराजय हुई। तो इसका मतलब भारत इस तरह के डिवाइडेशन में शामिल नहीं हो रहा है या संपूर्ण एशिया में इस तरह का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो रहा है। ज़्यादातर राष्ट्रों में जो हम बात करें, हमारे दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण पश्चिम एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें, क्योंकि हम वहाँ ब्रिटेन के नियंत्रण से मुक्त हुए। ब्रिटेन का एक छत्र शासन रहा एशिया में, तो इस कारण हम ज़्यादा निकट रहे ब्रिटेन के, और ब्रिटेन किसी भी तरह से दोनों गुटों में शामिल नहीं है या इतनी प्रभावी भूमिका में नहीं है। जो शीतयुद्ध या जो माहौल बन रहा है तनावपूर्ण, उसमें अमेरिका और USSR ज़्यादा भागीदार राष्ट्र हैं। तो इस वजह से हमारा झुकाव दोनों ही दलों की तरफ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटेन की सत्ता रही थी। तो देखें पहली संधि रही डंकर्क, ट्रीटी 1947। अभी डंकर्क कहाँ है, डंकर्क है फ्रांस में, ठीक है। अब देखो फ्रांस का क्या रोल है यहाँ, कि फ्रांस को बताया गया है कि फ्रांस एकदम निरपेक्ष देश है, राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, ठीक है। तो फ्रांस में ये संधि हो रही है 4 मार्च 1947। कौन कौन से राष्ट्र हैं, दो राष्ट्र हैं, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। कितने वर्षों के लिए हो रही है, 50 वर्षों के लिए, 50 ईयर्स के लिए। और 50 वर्षों के लिए हो रही है तो कारण क्या है, मैंने अभी एक और बताया कि पूंजीवाद और साम्यवाद तो अलग बात है, इन्हें जर्मनी के पुनः आक्रमण का दबाव है या आक्रमण का भय है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जर्मनी एक बार फिर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की जर्मनी की मानसिकता रही है पहले भी, जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी शक्ति का, सैनिक और आर्थिक शक्ति का इतना विकास किया, उसका एकीकरण किया या सेंट्रलाइजेशन कर दिया पूरी पावर्स का, और उन पावर्स का सेंट्रलाइज करने के कारण उसके पास इतनी क्षमता आई कि बाद में वह सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगभग संपूर्ण यूरोप को कष्ट देने में या संकट में डालने का काम उसने किया। यानी उसने इतनी बड़ी पराजय झेलने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पराजित होने के बाद, उसने वापस
इतने से कम समय में इतनी शक्ति अर्जित कर ली, इतने सैनिक संसाधन अर्जित कर लिए या इतनी प्रभावी सैनिक भूमिका को अर्जित कर लिया कि जिसने बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण यूरोप के साथ साथ संपूर्ण विश्व की स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये तैयार नहीं है या ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस जर्मनी का हमने पूरी तरह से दमन कर दिया, ठीक है। तो इस भय से ब्रिटेन और फ्रांस प्रभावित हैं, और मैंने आपको बताया फ्रांस इनर यूरोप का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, जर्मनी ब्रिटेन है, मैं बोल ब्रिटेन रहा हूँ, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन, और ये आउटर यूरोप का पार्ट है। तो यानी इन दोनों का एकीकरण अगर होता है तो इनके बीच में जो आने वाले जो राष्ट्र आएंगे उनका भी स्वतः ही क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। तो ये 8 सितंबर 1947 को लागू कब हो रही है, 8 सितंबर 1947 को। क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, ये इसका कारण होगा। अवधि क्या रही इसकी, 50 वर्ष की, ठीक है। सदस्य देश कौन है या संधिकर्ता राष्ट्र कौन है, फ्रांस और ब्रिटेन। संधि की हस्ताक्षर डेट, और स्थान फ्रांस, ठीक है। प्रथम प्रयास है, लागू हुई इतनी तारीख, ये इसकी ज़्यादा जानकारी हमको रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान में ये सभी संगठन काम नहीं कर रहे हैं। अगला, जैसे जैसे हम अगली स्टेज में जाएंगे वैसे वैसे पिछली संधि क्या होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे अगली संधि काम करेगी पिछली वाली संधि क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। आगे चलते हैं, देख लें आप एक बार इसको, आप देखते हैं दोनों। ये फ्रांस तो बहुत प्रताड़ित रहा था जर्मनी से उस समय, ब्रिटेन के और मेन यूरोप के बीच में सागर रह जाता है, इस कारण ब्रिटेन पर इतना अटैक नहीं हो पाया था। ब्रिटेन पर अटैक करने की कोशिश की थी जर्मनी ने, लेकिन वह अटैक सफल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। चर्चिल थे वहाँ, चर्चिल भी बहुत मजबूत व्यक्ति रहे हैं, विंस्टन चर्चिल। कुशल राजनीतिज्ञ थे, इन्होंने रूस की मदद नहीं की, ऐतिहासिक कारणों ने बात किए, इतने कुशल राजनीतिज्ञ थे, खतरा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने रूस के विरोध में या रूस को सहायता करने की बात तो की, लेकिन जब जर्मनी रूस तक पहुंच गया तो फिर उन्होंने जर्मनी के खिलाफ अटैक चालू नहीं किया था, जिसकी वजह से रूस क्या हो गया, फिर ब्रिटेन से नाराज हो गया, और ब्रिटेन डायरेक्ट जर्मनी की शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था, इसी का डर यहाँ पर भी था। तो इस कारण उन्होंने दोनों ने आपस में क्या कर ली है, संधि कर ली। आगे चलते हैं, ब्रुसेल्स, ट्रीटी 1948, और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, किसकी राजधानी है, ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम। ठीक है, अब आप देखो ब्रुसेल्स कौन से ग्रुप का राष्ट्र है, हमको पता है ये स्थान आ गया, इसी को ब्रुसेल्स का है ये स्थान, बेल्जियम में, वो मैंने मान लिख दिया बेल्जियम में, ठीक है। संधि के हस्ताक्षर हो रहे हैं 25 मार्च 1948, ठीक है, 25 मार्च नहीं 17 मार्च है, ठीक है, 25 तो लागू हो, ठीक है। और सदस्य देश कौन कौन है, सीधी सी बात है, सदस्य देश हैं बेनेलक्स, अगर मैं लिख दूँ तो भी ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें बार बार याद हो जाएंगे आपको, बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है,
लग्जमबर्ग, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, ये भी कितने साल तक रही? 50 वर्षों तक। कारण क्या रहा? देखो, एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ पूंजीवाद। इनके संभावित खतरों से बचने के लिए बचाव के लिए, ये तो इम्पोर्टेंट बात है, तब भी सब लोग इससे बचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो टाइम है वो किसका है? शीत युद्ध का टाइम है। जैसे कहते हैं ना, हम पुलिस वालों से दोस्ती भी अच्छी तो नहीं होती, तो शत्रुता भी अच्छी नहीं होती, दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे ही साम्यवाद का समर्थन कर लें तो भी हम फंस जाएंगे, पूंजीवाद के विरोधी कहलाएंगे, और पूंजीवाद का समर्थन करते हैं तो हम साम्यवाद के विरोधी कहलाते हैं। तो इस वजह से बचने के लिए क्या कर रहे हैं ये खुद के आपस के संगठन। अब देखो, कहीं भी बाहर का कोई राष्ट्र नहीं है इसमें, बाहर के लोग महाद्वीपों से किसी भी राष्ट्र से हम संपर्क नहीं कर रहे हैं या संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो वो बाहरी व्यक्ति क्या करेगा, हमारे सहायता करने के बदले में हमसे कुछ ना कुछ उसको चाहिए होगा, और वो जो चाहत है उससे हम पर दबाव बढ़ेगा। ये तो मेन कारण था। और दूसरा क्या कह रहे हैं? सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग। सांस्कृतिक सहयोग के साथ साथ, सहयोग के साथ साथ क्या चाहिए था? सैनिक सुरक्षा, या मैं कह दूं सुरक्षा, सुरक्षा सबसे प्रमुख कारण था। ठीक है, सबसे प्रमुख कारण था ये। आगे चलें इसमें, एक दो बात और है। पहले इसको लिख लें आप, फिर मैं मिटा देता हूँ, मतलब ध्यान कर लें, आप माइंड में बैठाते चले। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि अब इन सब संगठनों की जगह कौन आ गया है? ईयू आ गया। ठीक है, ईयू ने अपना खुद का सैनिक ढांचा या सैनिक स्ट्रक्चर तैयार कर ली है, अर्धसैनिक बल बना लिए हैं, हमने चर्चा की है, तो अर्धसैनिक बल बना लिए उन्होंने, तो सेना तो नहीं बनाई है उन्होंने। हालांकि सेना तो नाटो की तरह उनकी जॉइंट कोई कमांड यूनिट नहीं होती है, लेकिन अपने सैनिक हितों का काम करने के लिए उन्होंने खुद की सैनिक कमांड या सैनिक हितों को देखने वाली या सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक जॉइंट कमांड का निर्देश दे रखा है। ठीक है, तो तब आगे चलते हैं इसमें, देखें ब्रुसेल्स लिखा हुआ है, वैसे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करते थे वो देखें आप, सिद्धांत या किस कंसेप्ट पर इनका काम होता था वो इंपॉर्टेंट बात है। एक राष्ट्र पर आक्रमण, इन पांचों में से यदि किसी एक पर भी आक्रमण होगा, एक राष्ट्र पर आक्रमण सभी राष्ट्रों पर, एक राष्ट्र पर आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाएगा, सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है,
अब इस सिद्धांत के बेनिफिट क्या रहे? एक तो इससे क्या होगा, इन आपसी सदस्य देशों में आपसी एकता का निर्माण होगा, यानी कठोरता से इस संधि का पालन करेंगे, ये फायदा हो गया इनको, ठीक है। और एक बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट क्या रहा कि जो आक्रमणकर्ता राष्ट्र हैं, आक्रमणकर्ता जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, हमलावर जो राष्ट्र हैं या कर सकते हैं, जरूरी नहीं किया ही हो, वो जो आक्रमणकर्ता राष्ट्र हैं उनके मन में भय व्याप्त होगा, उनके मन में क्या होगा, भय आएगा। उनके मन में क्या होगा, फियर इंक्रीज, यानी डर बढ़ जाएगा उनका। आक्रमण करने से पहले वो सोचेंगे कि व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते, राष्ट्र राष्ट्र से मतलब नहीं रखेंगे, वहाँ एक पर भी आक्रमण होता है तो उसका मतलब क्या माना जाएगा कि सभी राष्ट्रों पर क्या माना, क्या किया गया है, अटैक किया गया है, तो वे उस एक राष्ट्र के खिलाफ वो पांचों राष्ट्र मिलकर क्या देंगे, उसका जवाब देंगे। तो इसके कारण उनमें क्या है कि वो आक्रमण करने से पहले सोचेंगे, यूरोप को युद्ध का मैदान बनाने से पहले कोई भी राष्ट्र होगा वो ध्यान देगा कि अगर हमने किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण किया तो ये पांचों राष्ट्र उसका जवाब देंगे, और न केवल सैनिक बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी हमें उससे ये युद्ध लड़ना होगा। तो इस वजह से सामान्यतः इन राष्ट्रों पर आक्रमण किसी अन्य ग्रुप ने करने का साहस नहीं किया, चाहे वो साम्यवादी USSR हो, चाहे वो पूंजीवादी ग्रुप अमेरिका हो, ठीक है। यानी जो विवाद थे वो कहीं ना कहीं स्थिर हो गए। आगे देखिए, कौन ये जो संगठन था, उस संगठन में कौन कौन शामिल थे, जो सदस्य राष्ट्र थे, कितने राष्ट्र थे, सदस्य राष्ट्र पांच, उन पांचों के विदेश मंत्री शामिल होते थे, विदेश मंत्री शामिल होते थे, जिसे परिषद का नाम दिया गया, ठीक है। ये परिषद डिसाइड करती थी कि क्या और कैसे काम किया जाएगा, या किस तरह से इन कर्मचारियों के हितों को या इन सदस्य राष्ट्रों के हितों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय देखें, फोनी, टेनी, अब कहीं जगह ब्लून है, कहीं जगह बेलोन है, फ्रांसीसी शब्द है, तो अगर हिंदी का ट्रांसलेट करेंगे तो वो वैसा ही होगा, फ्रांस में ही है। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था, फ्रांस है। फोनी टेनी ब्लून कहा है, कहीं बेलोन कह दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आप इनको देखें, आपको याद हो जाएगा, यहीं इतनी स्पीड से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस की चिंता आपका विषय नहीं है, आपकी चिंता होनी चाहिए कि हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है और हम कितना कर पा रहे हैं। अगला चले हमारा तीसरा, अगर आपने देख लिया होगा तो आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा था वो था यूरोपियन डिफेंस यूनियन या कम्युनिटी, 1952। वैसे तो नाटो है, लेकिन नाटो को हम बड़ा है तो उसको एक साथ करेंगे, यूरोपियन डिफेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा समुदाय, ठीक है, यूरोपियन डिफेंस
कम्युनिटी, देखिए कारण क्या रहा इसकी भूमिका, कारण क्या रहा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको याद भी रहना चाहिए कि यूरोप में साम्यवाद का जो प्रसार था वह निरंतर बढ़ता जा रहा था, निरंतर बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि निरंतर कोविड के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, हालांकि जो सुधर रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि स्वाभाविक है कि चाइना को डर लगना चाहिए, क्योंकि जब जब कोविड बढ़ेगा या कहीं मृत्यु होगी तो सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं श्राप या गालियाँ या डांट जो कुछ भी मिलने वाला है वो किसको मिलने वाला है, चाइना को, क्योंकि कहाँ से उत्पन्न हुआ कोविड, चाइना से उत्पन्न हो रहा। तो अब आप देखिए जैसे जैसे साम्यवाद का निरंतर प्रसार हो रहा है तो डर किसको लगेगा, किसको लगेगा, भारत तो कहीं शामिल है नहीं, हम तो उसमें कहीं शामिल है नहीं, किसको डर लग रहा है, अमेरिका को डर लग रहा है, या अमेरिका को डर नहीं लग रहा तो अगर हम कहते हैं सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहा है, अमेरिका हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि 1970 तक तो USSR वृद्धि कर रहा है या साम्यवाद की जो विचारधारा है उसके कारण क्या बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो राष्ट्र इसके प्रभाव में आना प्रारंभ कर रहे हैं या इस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं 1970 तक। 70 के बाद इसका पतन शुरू होगा, लेकिन 70 तक तो अमेरिका को चैन नहीं आएगा, अमेरिका को हमेशा दिक्कत रहेगी कि मैं क्या करूं ऐसा, मैं क्या करूं, क्या करूं ऐसा। तो ये जो कारण था जिसकी वजह से ये समुदाय बनने वाला है तो उसमें योगदान किसका माने इनडायरेक्टली आप देखें, अमेरिका का। आगे मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है कि ये जो अमेरिका है ये एक सुझाव देता है यूरोपीय राष्ट्रों को कि आप क्या करें, आप जर्मनी को, जर्मनी को क्या करना है, पुनः है हथियारों के निर्माण या हथियारों के आधार पर हथियारों के निर्माण और परीक्षण की छूट दी जाए, निर्माण और परीक्षण की छूट दी जाए, ठीक है, सैनिकों की वृद्धि की जाए, सैनिकों की क्या की जाए, संख्या बढ़ाई जाए, यानी एक तरह से इनडायरेक्टली अमेरिका किसका समर्थन कर रहा है, नाजीवाद। अमेरिका को लगता है कि साम्यवाद से टकराने के लिए सबसे मजबूत हथियार या सबसे मजबूत उपकरण या साधन क्या हो सकता है, नाजीवाद हो सकता है। तो नाजीवाद अब अमेरिका, तो अमेरिका को तो क्या दिक्कत हो सकती है, आप देखिए राजनीति देखिए, आप अमेरिका खुद कहाँ बैठा है, उत्तरी अमेरिका में बैठा है जो चारों ओर सुरक्षित है, पड़ोसी राष्ट्र भी उसको कोई दिक्कत नहीं करते हैं और दोनों साइड उसके समुद्र है, तो वहाँ और इतनी बड़ी कोई मिसाइल या टेक्नोलॉजी उस समय डेवलप नहीं हो पा रही थी अन्य राष्ट्रों के पास कि वह डायरेक्ट किस पर अटैक कर दें, अमेरिका पर अटैक कर दें। तो अमेरिका किस को छेड़ना चाह रहा है वापस, नाजीवाद। अभी नाजीवाद और ये जर्मनी कहाँ पर हैं, यूरोप में, तो दिक्कत किसको होगी, यूरोपीय राष्ट्रों को, ठीक है। तो इसके लिए वो एक सुझाव और देता है कि क्या किया जाए, यूरोपीय सेना के अंतर्गत जर्मनी के सैनिकों को भर्ती कर लिया जाए, यूरोपीय जो सेना है या कम्बाइंड सेना बनाई जाए और उसके अंदर जर्मनी के सैनिकों को क्या कर दी जाए, भर्ती कर लिया जाए, यानी जर्मनी की सेना को समाप्त नहीं करके उनको यूरोपीय सेना के नियंत्रण में दे दिया जाए, एक सुझाव। तो इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, यूरोपीय परिषद ने इस बात की तो क्या दे दी, सहमति दे दी, रजामंदी दे दी, भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहाँ कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब आगे इसकी आगे क्या चाल चल रहा है, जैसे ही एक मांग पूरी हो रही है या एक मांग को समर्थन मिला तो दूसरी बात क्या है कि इसने ये कह दिया कि 10 कमांड जो होती है या यूनिट जो होती है, सैनिक जो कमांड है
टुकड़ी, ठीक है, 10 सैनिक टुकड़ी कौन सी सेना की? जर्मनी सेना की, जर्मन सेना की, किसको दे दी जाए? नाटो को। नाटो की स्थापना तब हो गई थी, ठीक है, कब दे दी जाए? 1949 में जो नाटो बना उसको सैनिक कौन से सैनिक दे दिए जाए? जर्मनी सैनिक दे दिए, ऐसी मांग कर रहा है वो। फिर आगे, अब आगे क्या दिक्कत आई? फिर अब आगे क्या होगा? अब इस मांग का फ्रांस ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया। फ्रांस ने इस मांग को क्या कर दिया? विरोध कर दिया। वो जानता था कि अमेरिका धीरे धीरे क्या चाह रहा है, तो जो मांग की गई थी उस मांग का फ्रांस ने क्या किया? विरोध किया। फ्रांस द्वारा नाटो को सैनिक उपलब्ध करवाने की मांग का विरोध किया गया। मांग का विरोध किया, ठीक है। अब ये विरोध किया गया तो फिर फ्रांस भी कुछ इसका कोई तोड़ बताएगा कि इसके बजाय ये काम कर लो। आप समझ रहे हैं ना, जब आप किसी चीज़ एक चीज़ रखते हैं तो आप या तो उसकी कमियां निकालते हैं या उसके बदले में सब्स्टिट्यूट देते हैं कि ये नहीं, ये कर लो, ये इससे बेटर है। तो फिर इसने कहा कि हमें एक यूरोपीय सेना का गठन करना चाहिए। यूरोपीय सेना का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। अब ये सुझाव किसका आया? फ्रांस का आया। और इस योजना को ही, ये जो कंबाइंड या जॉइंट जो सेना बनाने की बात हो रही है, इस योजना को ही ईसीडी के नाम से जाना गया, ठीक है, 1952 में बनी थी, ठीक है, 1952 में। अब देखो आगे चलते हैं, हम कब हो रही है ये? 1952 में। आगे चलें, अब 1952 में कौन कौन से राष्ट्र तैयार हैं इसके लिए? तो स्थापना कब हो रही है? 1952, ठीक है। सदस्य देश कौन से हो गए इसके? भाई बेनिलक्स, बेनिलक्स के अलावा फ्रांस, इटली और तब का पश्चिम जर्मनी। इन राष्ट्रों ने ईसीडी नाम की जो संधि हो रही है उस संधि पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये संधि कभी लागू नहीं हो पाई, ये संधि कभी लागू नहीं हो पाई या क्रियान्वित नहीं हो पाई। अभी तक हम सारे सफल प्रयास करते रहते हैं, तो हमने कौन सा पढ़ा? एक प्रयास, ये एक असफल प्रयास था। ये कैसा प्रयास रहा? असफल। अभी तक तो सफल ही पढ़े, तो आप भी कहते हैं सर इनकी तो सक्सेस रेट 100% है, तो उस 100% सक्सेस रेट में एक माइनस पॉइंट आता है कि ये प्लान क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो इसके असफल होने का कारण क्या रहा? फ्रांस की संसद ने इस संधि को क्या नहीं दी? स्वीकृति नहीं दी। फ्रांस की संसद ने स्वीकृति नहीं दी। एक राष्ट्र ने मना कर दिया तो क्या हो गया? सब ये संधि लागू ही नहीं हुई। तो इस तरह से यूरोप का जो सैनिक पुनर्गठन था उसका जो ये प्रयास था ये कैसा हो गया? असफल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको देखें आप एक बार। आगे देखते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन, बार बार भूल जाते हैं कि ये काम नहीं करता, ये करता है ना, वेस्टर्न यूरोपियन
यूनियन 1954। इसकी पहले हमने पहले भी चर्चा की है इसकी, ये देखो ये किसकी, मैंने कहा कि पिछली जो संधियाँ हैं वो अगली संधि का स्थान ले रही है, ये ब्रुसेल्स संधि का अगला चरण है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो ईडीसी की असफलता ने, ईडीसी की जो असफलता थी, उसने जो बीज बोया था उस बीज को पल्लवित होने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया, तो लेकिन वह जो विचार था वह विचार खत्म नहीं हुआ है। यूरोप के सैनिक एकीकरण को बढ़ावा देने का काम किया, ठीक है। अब क्या होता है कि अक्टूबर 1954 को ब्रुसेल्स जो संघ है, जैसे मैंने पहले बताया, इस ब्रुसेल्स संघ ने पश्चिम जर्मनी, अगर मैं आपसे पूछूं पश्चिम जर्मनी में कौन सा था, फेडरल रिपब्लिकन जर्मनी, ऐसी सरकार बनी थी, हमने पहले बात करके फुल फॉर्म, ठीक है। तो पश्चिम जर्मनी और इटली को शामिल करने के लिए सहमति दे दी, यानी ब्रुसेल्स का क्या हो गया, विस्तार हो गया, सहमति क्या कर दी, दे दी गई, ठीक है। अब देखें, अब इसमें कितने सदस्य थे पहले, वही 1, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, ठीक है। ये मेन राष्ट्र थे जो इस संधि में क्या रहे, शामिल रहे, यानी इतना बड़ा संगठन जो विस्तार हो चुका था उस विस्तार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब देखो, इससे पहले तक कहीं भी ब्रिटेन शामिल नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन को इतना बड़ा रूल नहीं है, लेकिन ब्रिटेन भी इस संधि में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो ब्रिटेन, चले कितने राष्ट्रों के टोटल, 9। अब इन्हें शामिल करने पर सहमति तो दे दी, लेकिन इनके साथ एक डर अभी भी जुड़ा हुआ है, तो उस डर का क्या समाधान किया गया, कि एक तो शर्तें क्या थी इनके शामिल होने की, देखो एकीकरण जब तक पूरा नहीं होगा जब तक जर्मनी को साथ नहीं लिया जाएगा, जर्मनी एक महान राष्ट्र है देखा जाए तो हिटलर के अलावा, और अभी भी वर्तमान में भी ठीक काम कर रहा है, तो जब तक आप जर्मनी को शामिल नहीं करेंगे तो यूरोप का किसी भी तरह का कोई एकीकरण सफल नहीं हो सकता या मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि जर्मनी भी वहाँ का
या यूरोप का या इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जब तक जर्मनी शामिल नहीं होगा किसी भी संगठन में, तो कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि जर्मनी इसके अगेंस्ट काम कर सकता है या उस संगठन के अगेंस्ट जा सकता है, या जर्मन को अगर सपोर्ट नहीं किया गया तो जर्मन में वापस नाजीवाद का उदय हो सकता है। और वो है नाजीवाद का जो उदय होगा वह न केवल जर्मनी के लिए अपितु संपूर्ण यूरोप के लिए और संपूर्ण विश्व की शांति सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वह व्यक्ति और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं सेकेंड ईयर में बताता था आपको, मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वो मोहम्मद लीग की आलोचना करते थे और कांग्रेस का समर्थन करते थे, मुस्लिम लीग के कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, मुस्लिम लीग के कार्यक्रमों में जाते थे, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिला या कहते हैं कि उनको वो भूमिका नहीं मिली या राष्ट्रवादी मुस्लिम्स को वो भूमिका नहीं मिली जो कि विभाजनकारी मुस्लिम्स को मिल रही थी, या जो अहमियत उनको अंग्रेज़ों के द्वारा दी जा रही थी वैसी अहमियत राष्ट्रवादी मुस्लिम्स को नहीं मिल रही थी। तो आप जानते हैं उसका रिजल्ट कितना घातक रहा। तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि अगर जर्मनी शामिल नहीं होगा तो शायद शांति की जितने भी प्रयास किए जाएंगे वे सभी प्रयास क्या रहेंगे, विफल रहेंगे। तो शर्तें क्या लिखी इन्होंने, पहली शर्त तो क्या कर दिया काम, जर्मनी की सैनिक संख्या निश्चित कर दी गई, संख्या या जो कमांड या टुकड़ी होती है उसको क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया, ठीक है। दूसरी बात क्या की गई कि खतरनाक शस्त्रों का निर्माण नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा, और उससे भी बड़ी बात परमाणु शस्त्रों का भी निर्माण नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता। सिर्फ कैसे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सैनिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वर्षाए की संधि में उस पर आर्थिक शर्तें थोप दी गई थी जबरदस्ती, तो उसका रिजल्ट आया था वहाँ बाद में। तो अब यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, और पहली बात तो हमने जर्मनी के टुकड़े कर दिए हैं, तो जर्मनी की संख्या वैसे ही कम हो गई है और ताकत वैसे ही क्या हो गई है, कम हो चुकी है, और उस कम ताकत में भी अभी पूर्वी यूरोप, पूर्वी जर्मनी का खतरा है इनको। पूर्वी जर्मनी में वैसी ही विचारधारा चल रही है जैसी शायद पहले चलती थी, बस उसमें साम्यवाद के संपर्क में आने से थोड़ी सी कम मारकता हो गई, या उसकी जो कट्टरता थी वो थोड़ी सी क्या हो चुकी है, कम हो गई है। तो आप ध्यान रखें इसके साथ ये काम हुआ। देखें आप इसको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनकी तरफ ध्यान दें, अक्षरों की तरफ, बोलने की तरफ, ये कहाँ जा रहे हैं, कोशिश करता हूँ ये यहाँ ही रहें, सीधे ही रहें, लेकिन शायद राजनीति ही टेढ़ा गांव है तो उस राजनीति की वजह से लाइन भी टेढ़ी हो जाती है। आगे देखें आप, अब इसके बाद चलते हैं हम, इन शर्तों का पालन करने के कारण क्या रहा कि ईयू और इनके आपसी संबंध कैसे रह गए, अच्छे रहे। देखो आप, इसके नाटो और ईयू के साथ, नाटो और ईयू के साथ संबंध कैसे रहे, बहुत अच्छे रहे। नाटो के साथ और ईयू के साथ संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं।
और मैंने आपको अभी ईयू जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया भी था, एक बात तो ये ध्यान रख लें, नाटो और ईयू के साथ, नाटो और ईयू के साथ संबंध कैसे हैं? अच्छे रहे। अच्छे रहे मतलब जब तक ईयू में इसका समावेश नहीं हो गया तब तक नाटो के साथ किसी तरह की कोई मतभेदों की कोई खबर नहीं है, कोई विरोध या कोई विरोधाभास की ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण क्या रहा कि ईयू ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, कल मैं बता रहा था कि ईयू ने क्या किया, ईयू के जो रक्षा संबंधी मसले हैं वो रक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं वे मुद्दे अभी तक वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के द्वारा ही संभाले गए, जबकि विदेश नीति या शांतिपूर्ण जो भी मसले हैं मुद्दे हैं वो ईयू खुद देखता रहा, ठीक है। ईयू से पहले जो भी संगठन थे वो देखते रहे, लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन हमेशा कैसे मुद्दे देखती रही, रक्षा संबंधी जितने भी मुद्दे थे वे ईयू की स्थापना के बाद से लेकर और इसकी स्थापना से लेकर और इसकी स्थापना तक भी ये ही इस संगठन ने ये मुद्दे देखे। तो इसका समापन कब हो गया फिर? इसका समापन हुआ 30 जून 2011, ठीक है। 30 जून 2011 से वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन संधि की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। और ये वेस्टर्न यूरोपियन संधि किस में शामिल हो गई? ईयू में, ठीक है। इस ईयू में शामिल होने का बेनिफिट ये रहा कि यूरोप का जो सैनिक एकीकरण है वो अब पूरी तरह से किसके हाथ में है? वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन की बजाय ईयू के हाथ में है। और आप ये ध्यान रखिए, जैसे मैं पहले ही बताना था कि क्या हुआ, जो संगठन बनता जा रहा अगला वो पिछले संगठन का क्या लेता जा रहा है? स्थान लेता जा रहा है। ईयू बना तो अब ईयू ने वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन का क्या ले लिया? स्थान ले लिया। तो इसका मतलब ये जो सैनिक एकीकरण है यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना रही, कोई डायरेक्ट युद्ध लड़ने की नौबत यहाँ पर इनको नहीं आ रही है, क्योंकि हम देखेंगे अभी जब हम नाटो की स्थापना करेंगे तो नाटो में भी यूरोप के कई राष्ट्र शामिल हैं। तो नाटो में शामिल हैं, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं, दोनों के सिद्धांत कॉमन से ही हैं, एक राष्ट्र पर अटैक दूसरे सभी राष्ट्रों पर क्या माना जाएगा? आक्रमण माना जाएगा। तो डायरेक्ट किसी राष्ट्र की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों पर अटैक करें, और इसमें अमेरिका भी शामिल रहा देखें आप, और नाटो में भी अमेरिका शामिल है। तो दोनों जगह अमेरिका के शामिल होने का फ़ायदा क्या रहा कि किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट युद्ध यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हो रहा है, इतना बड़ा सैनिक तनाव यूरोप में खड़ा नहीं हो पा रहा है। चाहे वह यूएसएसआर का विघटन रहा हो, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, और चाहे पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का विस्तार रहा हो शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे क्यूबा संकट हुआ या कोरिया युद्ध हुआ, इनके कारण इन राष्ट्रों के मध्य तनाव तो आए लेकिन इन राष्ट्रों ने या यूरोपीय राष्ट्रों ने कभी भी खुले तौर पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। इतने बड़े स्तर पर छुटमुट कोई घटनाएं होती रहती हैं तो वो चलती रहती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का मसला चलता रहता है एशिया में, लेकिन यह विश्वयुद्ध में परिणित हो जाए ऐसी संभावनाएँ कम दिखाई देती हैं या ऐसा नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं यूरोप का सैनिक एकीकरण, हमारा अब एक और बच रहा है जिसका नाम है नाटो, जिसको भी हम देखते हैं। नाटो से पहले चर्चा करने से पहले एक बार आप ये ध्यान कर लें कि आपके सिस्टम में ये चीज़ें सेव हो गई हैं क्या, क्योंकि मैंने अभी आपको इन राष्ट्रों के सदस्य देश बताए थे, इन राष्ट्रों के बताए थे, फिर ये बताए थे, ठीक है, अब ये बताए थे, फिर ये बता दिया था, अब ये बता दिए इनर और आउटर यूरोपियन राष्ट्र। तो अब वो गालमेल नहीं हो जाए, इसके लिए आप पहले इनको ढंग से एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसे लिख लें आप, ये लिख कर इसके नीचे लिख लें कौन कौन से राष्ट्र थे, इसके नीचे लिख लें कौन कौन से राष्ट्र हैं जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक साथ लिख लें, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से थे, इसके अंतर्गत कौन से थे ईयू के, अब फिर नाटो के लिख लेंगे। देखो तैयारी आप फुल करें आराम से, पूछा जाता है सन के हिसाब से कि कब कौन सा राष्ट्र शामिल रहा था,
ईयू में, ऐसे नाटो में पूछा जाएगा अभी। नाटो और भारत को लेकर क्या संभावना है वो पूछी जाएगी अभी, ठीक है? तो उसको देखेंगे। तो आपके दिमाग में आइडिया और दिमाग में जैसे ही नाटो कहें हमको तुरंत याद आने चाहिए कि मेनली कौन से शामिल हैं और कौन से शामिल नहीं हैं। तो इसका याद करने का तरीका यही रहेगा कि जो शामिल नहीं है उनको पहले कर लें, जो ईयू और नाटो में कॉमन नहीं है उनको पहले कर लें, यूरोपीय राष्ट्र याद कर लें पूरे लगभग जितने हो सकते हैं, फिर उनमें से देख लें कि कौन सा तो ईयू में है और कौन सा ईयू में शामिल नहीं है। इसका बेनिफिट ये रहेगा आपको कि जैसे ही वो जो नेगेटिव वाले आएंगे नहीं है तो तुरंत आप जान जाएंगे कि इसके अलावा बाकी हैं और ये राष्ट्र शामिल नहीं हैं। तो ज़्यादातर चांस यही पूछता है कंफ्यूज करने के लिए कि कौन से शामिल हैं और कौन से शामिल नहीं हो सकते, ठीक है? तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। उससे पहले हम बात हमने कर ली थी, तो चलो अब नाटो को ही देखते हैं। नाटो की स्थापना